Damn, bro. Damn. बोलो भाई बबर आ गया बबर पता नहीं रैंडम में तो नहीं लगी ऐसी क्रैश भाइयों मौसम देखें माशाल्लाह बेहतरीन मैं अभी सो रहा था जागा हूँ और जागते साथ अस्सलाम वालेकुम ड्रिफ्ट मातसूरी 24 मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। हम लोग जा रहे हैं लाहौर ऐसे गार्डन्स रूम रेसिंग सर्किट। अच्छा तो हम इधर ये काला शाह काकू की जगह पे आ गए जहाँ पे ट्रेलर होता है, ठीक है। मरवती भी आया हुआ है, सारे बॉयज खड़े हैं ट्रेलर शेलर। ओए क्या कहा था 10:30 मैंडेटरी प्रीफेक्ट नहीं नहीं 11:07 हम इस्लामाबाद से निकले हैं 8 बजे 3 आवर्स है। तो अभी गाड़ियां निकालते हैं फिर। ये आवाज सुना रहा था कहता ये बात सुन नहीं हुए विशाखा भी अभी रेप करने वाला बैठा वो देख। ये भाई हम ऐसे गार्डन एंटर हो रहे हैं। ये तैमूर चला रहा है अपनी X90 सारे भी साथ ही है और हम ऐसे गार्डन में एंटर हो रहे हैं। फिर भी हम उसको छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं। ये हमारा लेआउट है, जो आज ड्राइवर्स हैं जो 10 या पूरा रन या कोर्स कंप्लीट करना चाहेंगे तो पहले ये ब्रीफिंग है इसको समझ लें एक दफा, फिर इसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद यानी मेरी तो गाड़ी 2 में जाके खत्म हो जाए। ये ड्राइवर पासेस वगैरह दे दिए तो अभी हम निकल रहे हैं, इधर एंटर होंगे पासेस वगैरह चेक करेंगे। जो ड्राइवर है उसने 3,000 देने थे और उसके साथ 3 क्रू मेंबर्स अंदर आ सकते थे, अभी अंदर एंटर होते हैं। लेट्स गो भाई। इधर हम ट्रैक पे आ गए, ठीक है। जो भी स्पेक्टेटर्स के स्टोर हैं स्पेक्टेटर्स हैं ऊपर भी स्पेक्टेटर्स हैं, ठीक है। ट्रैक उस तरफ है तो मैं व्यू पॉइंट चेंज करूँगा ताकि वीडियो अच्छी बने। खैर बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो सारी इधर पार्क हैं, यहाँ देख लें। ये माशाल्लाह से बहुत सारे ड्राइवर्स आए हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सारे ड्राइवर्स और क्रू मेंबर्स वगैरह इधर ही हैं। एवरीवन इज हियर। RX-8s ये हमारी चेजर वगैरह, मोहम्मद उमर की गाड़ी, साद चौधरी, ये इस गाड़ी को मैं नहीं जानता, ये मेरे ख्याल से पेशावर की कोई है, और RX-8s E36 ये अनस गोर वाली X90, ये फादी ड्रिफ्ट की गाड़ी है, ठीक है। ये कराची से लाया हुआ है, ठीक है, और इसमें 2G है और ये प्रिपेयर कार है। क्या हाल है, ये फादी है, ठीक है। स्टिकर लगा रहे हैं, ठीक है। ये अजीजल की गाड़ी है, इट्स अजीजल के नाम से आप जानते होंगे, Yakuza.PK ये उसकी E46 है, इसमें 2JZ GT डला हुआ है, ठीक है। और ये भी उसी की गाड़ी है, अजीजल की गाड़ी है, और ये मेरे ख्याल से मीन है P2 वगैरह, मैं नहीं जानता ये गाड़ियों को। ये जो रेहान शाह ने बेची है वो वाली गाड़ी है, इनको मैं नहीं जानता था। वो ये अदील भाई रन मार रहे हैं। ओए ओए
आदिल भाई तब से रन्स वगैरह मार रहे हैं। मरवत एफपीवी ड्रिफ्टिंग हिमसेल्फ, क्या सीन है मरवत भाई? बस हेलमेट का वेट करो। मैंने से सवाल किया कि आपकी गाड़ी पे स्पॉन्सर है, वो इसने ये बोला जवाब क्या दिया? हां ना यही सीन है ना, हेलमेट शेलमेट आ गया मरवत भाई, ये तो एलएस2 ब्रांड न्यू है, उसको दे दे ये मरवत एफपीवी। मरवत एफपीवी लेके आता ना जी ने जाना है तैमूरा जी। ओ तैमूर भाई जरा बिस्मिल्लाह करें ना फिर। बस ये हेलमेट आता है मेरा, हेलमेट ले गया है। अच्छा इसका नया हेलमेट पहले मरवत भाई ने पहन लिया। ओ बरकतों वाला है हेलमेट। ओ ये बारिश मौसम देखें भाईजान, मौसम ये भाई मरवत ज़्यादा बॉल ना उठाया ना। क्या हुआ क्या हुआ? जिस तरह शूटर आया ना 360 मारा उसने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा तो रूम पे ओले पड़ने लग गए, सहा कर गए। ये देखे पॉइंट पॉइंट के साइड पे आ गया, और किस्मत ऐसी थी कि मेरे इधर आने के बाद जो है ना ओले स्टार्ट हो गए। ये मार्केट वाले भाई बारिश भी शुरू हो गए। ये चाट दो चाट दो। ये समी आते पाया पहले टर्न पे स्पिन आउट हो गए क्योंकि आप ट्राई की ले आया।
मरवत आपने आदिल के साथ टैंडम किए, ओए व्लॉग क्यों है? मरवत भाई बबर बबर पता नहीं टैंडम में तो नहीं लगी ऐसी क्रैश, या तो टायर का निशान होता तो मैं मान जाता, ये तो गाड़ी का ये नहीं बम्पर लगा उसका। चले ठीक करें, मैं फिर आपके वेट कर रहा हूँ, एक साइड नहीं मजा कर रहा। अच्छा तो सीन ऐसा था, रजी आ रहा था अपनी BMW V46 पे, तो और कलर कार पे एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो अब मैं और बकास हम जा रहे हैं रजी को रिकवर करने। रजी असल में अपनी फैमिली के साथ था तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। फैमिली के साथ ना होता तो हम कहते कारकुर के कुछ भी कारकुर ले और आ जा। अच्छा तो मोटरवे पे आ गए, ये रजी की गाड़ी के पास, या तो फ्रंट डैमेज है सिर्फ, लेकिन इश्यू ये आया ना कि इसने चला के तो लाया ये कलर कार से यहाँ तक, लेकिन रेडिएटर डैमेज हो गया था ना, गाड़ी चल रही थी बट रेडिएटर डैमेज था जिस वजह से नहीं कर पाए, आगे तक नहीं आ पाया ऐसे गार्डन तक। तो और ये साइड पे नीचे बम्पर भी ख़राब हो गया। सो वी आर गोना टो द कार टू ऐसे गार्डन्स और वेयर एवर, और बस यहाँ मोटरवे से बेसिकली हमने गाड़ी हटानी है। तो कि मरवत और तैमूर लोग वो तो उधर इवेंट पे अपना लगे हुए होंगे, बट रजी भाई है तो मसले में था तो हमें आना पड़ा, क्योंकि डेढ़ घंटा दूर है टो वाला रिकवरी वाला, और अभी हम 50 किलोमीटर दूर हैं उससे काला शिकागो से, और रिकवरी वाला 26,000 मांग रहा है, तो विच इज़ नॉट फिजिबल। तो भाई ये हम रास्ते में सेफ स्पीड्स पे जा रहे हैं, पीछे मैं इधर आराम से करोला पे जा रहा हूँ और हम ऐसे गार्डन्स की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो अभी हम इधर पिंड पहुँचे हैं, हमने E46 पंप पे पार कर दिया क्योंकि उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैंने इवेंट मिस कर दिया तो मरवत आपको अपडेट करेगा। अपडेट ये है कि एक तो अदील भाई ने मेरी गाड़ी मार दी है, वो शायद दिखाया है मेरे ख्याल से, नहीं ना मैं वो स्पेक्टेटर्स वाली जगह पे था, क्रू वाली लोकेशन से कुछ नजर नहीं आ रहा था तो मैं स्पेक्टेटर वाली जगह पे चला गया था। तो अच्छा दूसरा ये है, एक और न्यूज़ है कि हारिस इंशाल्लाह कल ये गाड़ी चलाएगा क्योंकि इसके मालिक इमरजेंसी से इस्लामाबाद चले गए थे मुंबई, तो हारिस मैं ये इस पे पूरा दिन स्पिन आउट होऊंगा। नहीं नहीं बड़े मजे की चल रही है, सीरियस। अच्छा? बिल्कुल मेरी गाड़ी की तरह चल रही है, एक कॉपी माशाल्लाह, इसे कहते हैं वॉर, क्या कहते हैं वॉर, क्या वॉल टैप, नहीं नहीं वो वॉल टैप नहीं, वो वो जो जख्म होते हैं यार, नहीं छोड़ यार बहुत ज्यादा बैड सीन है यार। ओ ये वो ना ट्रांजिशन एरिया था, पीछे गाड़ी ना नोज डाउन करके साइड चेंज करती है, उनने साइड नहीं चेंज किया, उनने मेरे में ऐसे साइड चेंज किया, तो बेसिकली बट टैंडम आई एम नॉट एंग्री वन बिट, यही इज पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके। तो रजी की गाड़ी नहीं देखी ब्रो, यार ना कर, वो तो मुझे रुलाएगा यार, वो तो बैड, उसका इंजन उड़ गया, ना कर यार इंजन उड़ गया। रजी की एक तो गाड़ी फ्रंट से लगी है ना, तो रेडिएटर जो है वो लीक हो गया था,
अब उसको टेम्परेचर 60-50 शो हो रहे थे, लेकिन जब पानी नहीं होगा आपकी गाड़ी में इंजन में तो वो टेम्परेचर तो यही बताएगा ना कि ठंडी है, क्योंकि टेम्परेचर तो पानी का देख के बताता है सेंसर। खैर तो रजी को सारों ने घेरा हुआ है अभी वो, हाँ तो उसका इंजन शिंजन सेवन अप हो गया, तो ये सीन है। खैर अब आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने अभी आपने देखा ना, मैंने गाड़ी भी टो किया कुछ घंटा घंटा दो, और उसके अलावा काफ़ी कुछ मैंने किया है, तो मैं ना थक गया हूँ। तो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।